के लिए टीका कार्यक्रम रोक दिया। दूसरे राज्यों में भी दूसरी डोज के लिए टीका नहीं। तभी तो कहा जा रहा है कि कोविशील्ड के दूसरे डोज का समय 16 हफ्ता क्या इसी वजह से बढ़ाया गया। अब आपको फ्लैश बैक में ले जाना चाहता हूँ। आपने 13 मई के प्राइम टाइम में देखा कि सीरम और भारत बायोटेक कंपनियों का प्रधानमंत्री दौरा करते हैं। इससे संदेश जाता है कि उनके नेतृत्व में टीका पर रिसर्च चल रहा है। बाद में पता चलता है कि सरकार ने दोनों कंपनियों को एक नया पैसा नहीं दिया। उसी तरह का मामला विदेशी मदद का भी। इस साल 28 जनवरी को प्रधानमंत्री डावोस में कहते हैं कि भारत दो टीके की बदौलत पूरी मानवता की सेवा कर रहा है। उनके ऐसे हर बयान में टीका देने के साथ मानवता का जिक्र जरूर मिले। मानवता के इस अभियान की सच्चाई आगे पता चलेगी। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेजकर वहां पर वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर दूसरे देशों के नागरिकों का भी जीवन बचा रहे हैं। और ये सुनकर WEF में सभी को तसल्ली होगी कि अभी तो सिर्फ 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दुनिया में आई है। आने वाले समय में कई और वैक्सीन भारत से बनकर के आने वाली है। ये वैक्सीन दुनिया के देशों को और ज्यादा बड़े स्केल पर ज्यादा स्पीड से मदद करने में ये पूरी तरह सहायता करेगी। प्रधानमंत्री कई जगहों पर कहते हैं कि दो के अलावा अन्य भारतीय कंपनियां भी टीका लेकर आने वाली हैं। उनका आज दिन तक पता नहीं है वो कंपनियां कहां हैं। जिन दो कंपनियों के बारे में आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि उनके पास भारत सरकार का कितना ऑर्डर है, उनकी सप्लाई की क्षमता कितनी है, यह भी ठोस तरीके से पता नहीं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा उत्पादक होने का दावा करता रहा और अब तो देश के लोगों के लिए टीका देने की क्षमता की भी पोल खुल चुकी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन के बारे में आप जानते हैं, क्या कोविशील्ड की खोज वे किस संस्था के वैज्ञानिक, क्या उनका नाम और चेहरा आप देखा है आपने? खबर तो यही काफी मिलती है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर कदम किया। वैज्ञानिक 20 सालों से जिस तकनीक पर काम कर रहे थे उसी के परिणाम से यह टीका तैयार। गार्डियन अखबार में इसी साल खबर छपी है कि टीके की रिसर्च और इसके विकास में लगा 57% पैसा पब्लिक फंड से आया था। ऑक्सफोर्ड को मिले 1,000 करोड़ रुपए में से अधिकतर ब्रिटेन के टैक्स भरने वाले नागरिकों ने दिया था या संस्थाओं ने। लोगों की रिसर्च को मिलता रहा है। ब्रिटेन की सरकार, वेलकम ट्रस्ट, अमेरिकी और यूरोप के संस्थाओं ने भी काफी फंड दिए। कोविशील्ड का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एस्ट्राजेनेका के पास है, जिस वजह से सीरम को कई डोज इंग्लैंड भेजनी पड़ी। सीरम के पास कोविशील्ड का सब लाइसेंस है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीरम ने कोविशील्ड टीके के विकास में और इसकी रिसर्च में क्या योगदान किया। क्या सीरम ने सिर्फ उत्पादन ही किया है या रिसर्च भी किया है? तो यह साफ होना चाहिए कि होना चाहिए था कि सीरम का जो टीका उसके रिसर्च में ना तो भारत का पैसा लगा है ना भारत के वैज्ञानिक लगे। अगर लगे हैं तो उन वैज्ञानिकों को अभी तक सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? इतना बड़ा काम किया उन लोगों ने। भारत में क्लिनिकल ट्रायल हुई है जो दुनिया के अन्य देशों में भी हुई। भारत बायोटेक ने जो टीका विकसित किया है उसका पेटेंट जरूर ICMR भी साझा करता है। प्रधानमंत्री भी अपने किसी बयान में इस अंतर को स्पष्ट नहीं करते। जबकि 11 मार्च को प्रधानमंत्री किंडल पर गीता लॉन्च करते वक्त कहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, यह नहीं बताते कि सीरम में जो टीका बना रहा है सीरम उसकी खोज दूसरे देश के वैज्ञानिकों ने की है या हमारे देश के वैज्ञानिकों ने की। कौन है वो? अवर साइंटिस्ट work in a quick time to come out with vaccines. And now, India is humbled that vaccines made in India are going around the world. We want to give as well as help humanity. This is exactly what the Gita teaches us. Gita सच बोलने की तालीम देती है। आप टीके के उत्पादन से लेकर वैक्सीन मैत्री के तहत
कई देशों को टीका भेजने से संबंधित प्रधानमंत्री के सारे बयान चेक किए। आपको कहीं नहीं मिलेगा कि भारत ने केवल 1,07,00,000 टीका जरूरतमंद देशों को मदद के तौर पर दिया, बाकी 5,50,00,000 टीका तो कंपनियों को देना ही था, क्योंकि टीका बनाने वाली दो कंपनियों का उन देशों के साथ व्यावसायिक करार, जो टीका व्यावसायिक करार के तहत दूसरे देश को दिया गया क्योंकि उनसे टीके के लिए कच्चा माल लिया गया था। क्या उसका भी श्रेय मोदी सरकार ले रही थी? मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय टीका भेजने के जितने फोटो ट्वीट किए, हमें कैसे पता चलेगा कि यह वाला डब्बा मदद का है और यह वाला डब्बा कारोबारी करार के तहत पैसे लेकर दिया जा रहा है? जब अप्रैल के महीने में लोग अस्पताल के भीतर और बाहर तड़पा तड़पा कर मार दिए, उनका नरसंहार किया गया, तब जाकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा यह सच बोल गए। कहते हैं कि 6 करोड़ टीका मदद के तौर पर नहीं भेजा गया, निर्यात नहीं, 84% टीका डोनेशन का नहीं था बल्कि कमर्शियल करार के तहत भेजा ही जाना था। ग्रांट के रूप में, मदद के रूप में, एड के रूप में मात्र 1 करोड़ वैक्सीन ही भेजा गया। बाकी जो वैक्सीन भेजी गई है, 84% जो वैक्सीन भेजी गई है, लगभग 5 करोड़ से अधिक, वो लायबिलिटी के रूप में भेजी गई है, जो आपको करना ही, चाहे हमारी सरकार होती चाहे किसी की भी सरकार होती, उसको वो क्वांटिटी भेजना ही था क्योंकि वो लायबिलिटी। अब आप समझ पाए होंगे कि प्रचार और प्रोपेगेंडा का ये खेल क्या था। यही टीका जब दुनिया के अलग अलग देशों को जा रहा, तब नहीं बताया गया कि ये वाला हिस्सा व्यावसायिक करार के तहत जा रहा है और मात्र 1 करोड़ टीका भारत मदद के तौर पर दे रहा है। गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन गुरु के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रोपेगेंडा रचा कि आप उसके नशे में भूल गए कि आपको भी टीका चाहिए। संबित पात्रा जो बता रहे हैं वो तो प्रधानमंत्री एक बार नहीं कहते, इस बात का प्रचार आराम से चल रहा था कि वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई, भ्रामक बयान दिए गए कि मोदी सरकार ने रिसर्च और विकास में योगदान किया जबकि 1 पैसा नहीं लगाया और सरकार दुनिया की मदद कर रही है। अब जाकर संबित पात्रा बता रहे हैं कि कोविशील्ड पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एस्ट्राजेनेका का है। इस सवाल को गायब मत कीजिए कि जब अमेरिका ब्रिटेन अपने देश के लिए टीका खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तब मोदी सरकार क्या कर रही थी। आपकी जान से खिलवाड़ हुआ है, लेकिन संबित पात्रा जो सच अद्भुत कह रहे हैं आपको दिखाता हूँ। तब विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था, ठीक से देखिए, दूर मत हुई। यह 19